फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में जिधर भी होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, ये वीडियो एक मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है। बहुत टाइम से इस वीडियो को वेट कर रहे थे काफ़ी बंदे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मेरा, दुबई की जो नर्स की जॉब होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। वो वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा आप लोगों को। मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करें। और आज का जो टॉपिक है ना, ये जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है ना, तो जब से ये क्वेश्चन था कि दुबई में नर्स का कितना स्कोप है और कितनी सैलरी मिलती है, ये सब तो इस सभी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। देखो, सबसे पहले दुबई के अंदर जो नर्स की सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि सैलरी क्या, सैलरी पैकेज वगैरह क्या होता है, मतलब कितनी सैलरी मिलती है। और मैं धीरे धीरे इसमें एक एक कमेंट का आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नंबर वन लेते हैं स्कोप। स्कोप क्या है दुबई के अंदर नर्स का? तो भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। जो दुबई के अंदर नर्स होती है ना, स्कोप होगा इतना ज़्यादा है ना यार, तू ही जा पहले यार, प्लेन जा रहा है। इतना ज़्यादा स्कोप है ना, और कि जिसने एक नर्स का कोई डिप्लोमा होता होगा, मेरे को क्योंकि मैं मैथ का बंदा हूँ तो मेरे को का बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो कुछ वो होता है डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद में जॉब मिल जाती है। हाँ, और केरला वालों को पहले मिलते हुए उनके रेफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं इधर। तो अब आते हैं सैलरी पैकेज। सैलरी भाई इनका इतना ज़्यादा होता है ना, एक बात ऐड करता हूँ मैं इसमें, जो साउथ वाले होते हैं ना, वो फैमिली के साथ में रहते हैं ज़्यादातर, मतलब मोस्टली रहते हैं। तो जैसे तो उनका एक बेनिफिट होता है, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं, तो अगर जो मेरी वाइफ नर्स होगी तो कम से कम सैलरी उसकी कितना होता है, 7,000-8,000, मतलब अगर जो उसको 8,000 सैलरी हो तो इंडिया का 1,60,000-70,000 बनता है। तो वो मिनिमम पे है, जो मतलब मिनिमम सैलरी है इतनी, 6,000-7,000 धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब 1.5 लाख से ऊपर, इंडिया की मैं कैलकुलेशन करके बताऊँ तो 1.5 लाख से ऊपर होता है इंडिया का। तो सैलरी ज़बरदस्त मिलता है यार, ठीक है। और ड्यूटी आवर्स इनका 9 to 10 hours इनका ड्यूटी होता है। और इतने ज़्यादा हॉस्पिटल है ना यार दुबई के अंदर, इतने ज़्यादा फार्मेसी है ना, मतलब इतना ज़्यादा है तो बस के रेस्टोरेंट के बाद में इन्हीं का नंबर आता है, ठीक है। और इसलिए वो लोग, उनको बेनिफिट क्या होता है, जैसे किसी के हस्बैंड 4 to 5,000 दरम कमा रहा है, मतलब 80 to 90,000 रुपये कमा रहा है, उसकी वाइफ 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो इधर रहने में और बच्चों की एजुकेशन करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोनों का जॉब, मतलब दोनों का सैलरी मिला के बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सैलरी बन जाता है यार, मतलब 2.5 to 3 लाख रुपए बन जाता है दोनों का सैलरी जोड़ के। तो ऐसे लाइफ सर्वाइव करते हैं इधर, क्योंकि 40 to 50,000 रुपये तो किराया देना पड़ जाता है, वो तो कितना भी महंगा ले लें, एक मिनिमम बता रहा हूँ मैं रूम रेंट। तो बहुत अच्छा गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इधर नर्स के लिए, ठीक है। और जॉब सर्च करने का सिंपल ही तरीका है, पूछते हैं कैसे सर्च करना है, आप इंडिया के अंदर में डिप्लोमा करें, एक्सपीरियंस करें, उसके बाद विजिट वीज़ा लेके आके सर्च कर सकते हैं, सिंपल ही सबसे आसान तरीका है, या किसी अच्छे से एजेंट के थ्रू आ सकते हैं। सैलरी 5,000 से ऊपर ही होता है, मतलब 5,000-6,000 धर्म की मैं बात करूँ, मतलब 1,20,000 से ऊपर ही सैलरी होता है, 1.5 लाख-2 लाख तक सैलरी जाता है, स्टार्टिंग सैलरी मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग। उसके ऊपर तो जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर जो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। और इस टॉपिक पे वीडियो, जब से मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ ना, जब से आ रहा था तो मेरे से माइंड से स्लिप हो जाता था और मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, इधर तक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर देना यार वीडियो को, ऐसा कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था, YouTube फैमिली के बंदे ने, कि आप आज तक ऐसा कोई नहीं बोलता कि अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, आप बोलते हो भाई,
मैं आपकी तरह एक बंदा हूँ, सिंपल बंदा। तो सेम जैसे जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चलता, सेम मेरे भी माइंड में ऐसे क्वेश्चन चलते थे जब मैं दूसरों की वीडियो देखता था। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करके किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाता है, जो कोई भी अदरवाइज कंट्री में दुबई के लिए आना चाहते हैं। यार मैं सच बताऊँ, बहुत अच्छा कंट्री है यार, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक से थोड़ा हटके बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसे बना सकते हैं, लाइफ सेट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं यार। आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए डिसीजन लो, ऐसा लो कि एक बार लो तो बस पीछे ना हटो। ठीक है, तो ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को तो बहुत सारी बातें, बाय बाय।